आज पता है क्या हुआ, एक बार तो मैं डूबते डूबती बची। कैसे? यानी कि चीनू बची डूबते 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 डूबते। हे भगवान। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। ये क्या लेके जाएगी अब? खेलेगी इससे? बच्चे छीन लेंगे, मजाक कर दे। मैं अच्छा रख दे। मैं सोची ये लेके जा रही है, अब टिफिन ले लिया और ऐसा लग रहा है कि मुंह, मतलब मुंह को देख के थकान वगैरह, नींद पूरी नहीं हुई हो। सोई नहीं थी टाइम से। काम कर रही थी, सो गया। नींद ही नहीं आई मेरे को आज रात को। क्यों? अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। सपने? बढ़िया मौसम है वैसे, दो तीन दिन से ना गर्मी नहीं है, हवा चलती है। बाय चीनू। क्या कर रहे हो तुम सारे? ओ भाई ये भागे आए। अरे रे रे रे। पांचों यही हो अब? यहीं पे आ गए ये पांचों तो। वो तो ब्राउनी बैठा हुआ, वो बैठा, ये रे, और एक ये सो रहा है, और वो चीनू की बिल्ली, ये वाली जो है इसको चीनू बिल्ली बोलती है। इसको बिल्ली मेरे को पूछ ला रहा है। बिल्ली बिल्ली आ जा, बिल्ली आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। ओए 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 ओए, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। क्या क्या चाहिए बिल्ली को? क्या चाहिए? सारे भाई पीछे पीछे। कहाँ जा रहे हो सारे भाई? बहुत अच्छा मौसम है, लग रहा है कहीं बारिश आई है, यहाँ तो आई नहीं है। तो भाई चलो पी लेते हैं नारियल पानी, और कानू जी को भी पिला रही हूँ मैं। आ जाओ कानू जी। कानू जी भी नारियल पानी पी रहे हैं। हो गए तैयार? तैयार अब डाल दी। तो गाइस दो तीन दिन से ना बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, धूल मिट्टी वाली आंधी चली हुई है, तो मैं खिड़की दरवाजे आज साफ करूंगी। आज मैं फ्री हूँ क्योंकि वहाँ जो प्लॉट का काम था वो भी आज मतलब पूरा हो गया है। वहाँ पे बस अभी साफ मिट्टी डलवा देंगे उसके ऊपर से। तो वहाँ भी जब हम काम कर रहे थे तो वहाँ से भी धूल मिट्टी उड़ उड़ के सारी अंदर खिड़की दरवाजे में सब पे चढ़ गई। तो आज मैं सफाई करूंगी, तो अभी मैं जो जाली लगी है उनकी सफाई करने जा रही हूँ, तो देखती हूँ कितनी हो पाएगी कितनी नहीं। तो गाइज अभी मैंने मोटर चला दी है और अभी करेंगे बाहर से सफाई। तो गाइज अभी हमने खरबूजा खाया है, एक तो मीठा निकला और एक बिल्कुल खराब निकला, एक नहीं दो, अभी दिखाएंगे। वो हमने फिर साइड में रख दिए, मतलब ऐसे थे खट्टे खट्टे, और एक सही था। तो फिर चीनू बोली कि मैं आम लेके आ रही हूँ, तो अभी आम खा के देखते हैं कैसा है। आम तो खैर अभी मीठे ही आ रहे हैं, पर अभी देख लेते हैं इसको भी। और ऐसा मन था बिल्कुल सब खाने का। और पता है सुबह से लगी हुई हूँ मैं उधर सफाई करने में, और अब फ्री हुई हूँ मैं। देख लो कितने घंटे हो गए मेरे को वहाँ, पहले झाड़ू लगाया फिर पानी से धोया, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे मिट्टी थी और कई दिन भी हो गए थे धोए, तो इसीलिए मैंने आज वहाँ पे सफाई कर दी, क्योंकि भाई आज कुछ काम ही नहीं था तो मैंने सोचा सफाई कर लूँ। ठीक किया? यस। बोले अब खा के बता कैसा। तो भाई ये देखो ये खराब निकले हैं खरबूजे, और ऐसे बोल के देके गया था फल वाला कि मेरे तो बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छे निकलेंगे, मीठे एकदम, और ये देख लो हालत, ये कड़वे हैं अंदर से, अजीब सा ही स्वाद है इनका, बिल्कुल फीके और कड़वे। तो उसको मैं दिखाऊंगी, ये सब इतने महंगे तो देके गया है और ये देख लो खराब बिल्कुल है। देख लो कैसे धोखाधड़ी करते हैं, है ना। जब उनको बोलो कि रेट ठीक लगा लो तो रेट ठीक नहीं लगाने, अपनी बात ऊपर रखनी है, और उसके बाद ये देख लो ये सब खराब निकले हैं। और मैंने उसको बोला था कि मतलब आपके ज्यादा ये सही नहीं है, तो कह रहा है कि नहीं मेरे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं खरबूजे, आप लेके देखो। और हालांकि वो डेली आता है घर पे, फिर भी देखो कितना मतलब धोखे से देके गया ये सब खराब। तो गाइस अभी इस छत का नंबर है, इसको भी साफ कर रही हूँ, और आज मैं बहुत थक गई हूँ। और ये देखो तो गाइज ये सब ना मैं गाय को दे के आ रही हूँ, कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि गाय को दे दूं। और उसको मैं दिखाऊंगी ये सब कि देखो आपने क्या क्या मतलब क्या क्या बोल के दिया था और कैसा आपका सामान निकला है, और ये सब इसी में डाल रही हूँ। तो ये देखो भाई मैंने डाल दिया है ये सब गाय के लिए, और ये वीडियो मैं उसको दिखाऊंगी कि भैया देखो आप कैसा माल बेचते हो, और इतनी गारंटी लेते हैं अपने सामान की, ये देख लो। तो भैया अभी चीनू ये सो के उठी है, तो दूध गर्म कर ले चल तू जल्दी कर, मैं बहुत थकी हूँ आज। मैंने वहाँ सारा यहाँ से पूरा एरिया साफ किया है आज, इतना गंदा हो रहा था। ठीक है पूरा दिन आज मैंने सफाई का ही दिखाया है। एक बार पीने हाथ दो और पीने का दूध रख, दूध पीना है मेरे को, क्योंकि अभी मैंने जोत लगाई थी तो ये सामान रख देते हैं। तो मखाने डाल दे उसमें जल्दी और मुझे दे दे, ठीक है। सारा काम मैंने कर दिया है। ओके अपना भी कर लिए गरम, और
बोल तो ले, ऐसे मुझे समझ थोड़ी आ रहा है। अरे मैं नींद में थी, बोल तो लो। ठीक है ठीक है, तो रख दे जल्दी फटाफट से, पकड़ा देगी। हैप तो मैं भी कर दूंगी, हैप तेरी, हैप चीनू, हैप कर दूंगी तेरी मैं। हैप क्या होता है? हेल्प, क्या हैप होता है? क्या हैप है, बोल रही है। जल्दी दूध निकाल, दूध निकाल, दूध दूध दूध। उसमें भी होगा शायद, देखिए एक बार दूसरे पतीले में। इतना सोने के बाद भी कितने घंटे सोई है? कितना सोई हूँ, 5 बजे सोई थी। 5 बजे सो गए, 10 बजे उठी है, 5 घंटे कम है क्या? तो कल रात को बताई तो मुझे नींद दिखाई थी। चल कोई नहीं, उसमें है ना दूध, इसमें कम है। हाँ इसी में डाल दे, पीने पीने का कर ले इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी मलाई थी। ये हो ही जाएगा तेरा मेरा वैसे ना, ऐसे मत हिला इसको, हल्का सा डाल ले, बिल्कुल बहुत है ये। सुन भी ले, मैं बोले जा रही हूँ। मैंने सुन लिया। तो बोल ना। तो भाई दूध वगैरह पी लिया है हमने, और चिनू ने आज गर्म करके मुझे दिया है, क्योंकि मैं तो भाई पूरे दिन से बहुत थकी हुई हूँ। आज ये देख लो, पूरे दिन भर मैंने आप लोगों को क्या दिखाया, साफ सफाई, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी 3-4 दिन से, और सारे घर पे ऐसे धूल ऐसे जमी हुई थी, जैसे उंगलियों से यूं करो तो इतनी मोटी परत उतर के उंगली पे आती थी। तो सारा वो मैंने साफ किया है, क्योंकि होता है कई बार, या तो मैं मतलब डेली तो मैं नहीं करती खैर, लेकिन करती हूँ ना जब, बड़ी सफाई से काम करती हूँ मैं। और चीनू बहुत थकी हुई थी, ये आते ही सो गई, तो उठ के इसने दूध वगैरह गर्म कर दिया था, खुद भी पी रही है, मुझे भी दे दिया। और रात को अभी तू सोएगी, फिर से काम ही कर लिए 1-2 घंटा, ठीक है, और फिर सो जाएगी। फिर ये है कि नींद पूरी वैसे तो हो ही गई 5 घंटे सोने के बाद, फर्क तो पड़ा ही है। क्या खा रही है? मखाने। मखाने। तबीयत खराब हो गई मेरी। क्यों? सिर में दर्द है ना कई दिनों से, इसीलिए आज मैंने स्विमिंग भी की स्कूल में। तेज बोलो थोड़ा। आज मैंने स्विमिंग की स्कूल में। अच्छा। फ्लोट करना आ गया। ओके, करके दिखा। गिलास में ले आऊं, कटोरी में ले आऊं, या चुल्लू भर पानी ले आऊं? चुल्लू भर पानी ले आऊं, बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी ले आऊं। क्या नहीं नहीं उसमें ही तेरे को तैरना है, उल्टा क्यों उल्टा नहीं सोचना, ना मैंने बोला ना मैं कभी बोलती। अब तू कह के बुलवाएगी वो अलग बात है, पर मैं फिर भी नहीं बोलूंगी। मेरा कहने का मतलब है मैं ऐसे हाथ कर लूंगी, और तेरे को क्यों जल रही है? तेरे को इसमें तैरना है, उस पानी से जो उसमें वो केमिकल डालते हैं ना, हाँ उसकी वजह से आंखें बारी बारी ऐसे रहेंगी। तूने चश्मा लगाया तो था, फिर भी क्यों? चश्मे में बूंद बूंद तो जाती है, देखो बिल्कुल सीन तो होता नहीं। ऐसे तो टोपी लगाई थी पानी, तो उसमें भी गया था थोड़ा थोड़ा। पर ये है कि पूरे नहीं भीगे होंगे बाल, ये आगे आगे से भीग गए होंगे, ये नीचे के और ये जो ये थे। कैसा रहा तेरा आज का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा, मेरे को एक दिन में फ्लोटिंग करनी आ गई। और ऐसे हम तो मस्ती कर रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे हाथ पकड़े नीचे जाके बैठ गए। फिर जब सास वो हुआ कि अब सास के तो ऊपर आ गए फिर से। अच्छा, लास्ट के 5 मिनट देखिए, अब जो कर रहे करो, पहले तो पैर ऐसे मरवाते रहे। यहाँ पे मुस्कान आ गई थी फिर ना, ये तो हमारे स्कूल का था ना। तू कह रही है ना मेरी फ्रेंड, तो तेरी फ्रेंड तो मुस्कान ही तो है, वो तो बेस्ट फ्रेंड है ना। अच्छा, अरे आप समझते क्यों नहीं हो? अच्छा समझाओ तो फिर। हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जगह नहीं लेता कोई भी। अच्छा, जब उसे तू बात नहीं करती तब क्या है? तब भी है, पर फिर मेरे मुंह भी तो बनना चाहिए, जरूरी है ना। मुंह तो उसका भी बना था, मेरा थोड़ी बना था। आज पता है क्या हुआ, एक बार तो मैं डूबती डूबती बची। कैसे? बस ऐसे फ्लोट करने आ गई मैं, यो सीधे फ्लोट कर रही थी, एक लड़की को देखा कि हो ये कैसे कर रही है, पूछा कैसे कर रही है, कह रही कुछ नहीं बस सीधी लेट जा सांस रोक के। अच्छा। तो मैं यूं गई ना तो मैं नीचे ही चली गई। ओ। और फिर मैं हाथ तो मेरे को क्या पता, आंखें बंद, मुझे क्या पता मैं नीचे जा रही हूँ। अच्छा। फिर मेरी फ्रेंड ने आके मेरे को नीचे से यूं करा ऊपर कि पागल डूब रही है तू। यानी कि चीनू बची डूबते 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 डूबते, हे भगवान। ऐसा तो क्या ही डूबती हुआ, कोच वगैरह सब खड़े थे, पर फिर भी डूबते डूबते तो बची हूँ ना। सही है भाई, ध्यान से किया अगर चीनू ले देगे तू, एक ही तो चीनू है मेरे पास, ठीक है।
ध्यान रखिए अपना, तू तैरने तैरना सीखने जा रही है, डूबना नहीं। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होगा, हमारी क्लास में एक लड़की है तन्नू, वैसे क्रॉस कर देती है स्विमिंग पूल। तो उसको पहले से आता है? उसने पिछली गर्मियों में पूरी जून में ट्रेनिंग ली थी ना। और ये कितने दिन का होता है कोर्स? जब तक नहाए करते रहो। अच्छा ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से जल्दी आ जाता है ये, या लेट ही आता है? पता नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है चलो, ओके गुड नाइट। तो गाइस चलो इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं फिर से एक नई सुबह के साथ। तो भाई अपना प्यार बनाए रखना, मिलते हैं सुबह, और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब कर दिया करो। डेली बोलती हूँ मैं भाई, कमेंट करा करो, क्या बात है आप लोग देखते नहीं हो या टाइम नहीं है? टाइम नहीं है तो वो भी कमेंट करके बताना मुझे कि टाइम नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ रहे हो, टाइम नहीं है हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप लोग ये कमेंट करोगे मुझे, ठीक है? तो चलो भाई मिलते हैं कल, सो जाते हैं, गुड नाइट, बाय।